हाँ भाई, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और अभी मैं सो के उठाऊँ और कभी काफ़ी ज़बरदस्त नींद की है, बहुत थका हुआ था। 10 बज रहे हैं इस वक्त तकरीबन। मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए और सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ से बाहर का व्यू कैसा है। ओह वाह, व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही मेन शाहरा है जहाँ पर हूँ, और सामने मेरे फ्लैट्स हैं सारे। अब मैंने एक चीज़ नोट की है, इन फ्लैटों के ऊपर सबके ऊपर डिशें लगी हुई हैं अपनी अपनी। मतलब यहाँ पे केबल का कोई सीन नहीं है, सबने अपनी अपनी डिशें लगाई हुई हैं। खैर बहरहाल, अभी हम चलेंगे नाश्ता करने और देखेंगे नाश्ते में क्या है। मुझे उम्मीद है कोई ज़बरदस्त चीज़ होगी नाश्ते में। कल रात को खाना बहुत आउटस्टैंडिंग था, तो अभी चलते हैं नाश्ते के लिए। हाँ भाई, दोबारा आ गए रेस्टोरेंट, और दिन में जगह जो है ना ज़्यादा लग रही है खूबसूरत। और जो है देखते हैं खाने में क्या है। अंडे, सॉसेज, दोबारा जो है सैलड की काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है चीज़ की। खैर पहले हम देखेंगे बैठने की जगह और उसके बाद हम जो है नाश्ता लेंगे। ऑन डिमांड आमलेट बनवा रहा है, सभी आमलेट बनाएंगे। हाँ भाई, नाश्ता आ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, अभी ट्राई करेंगे, सब चखेंगे, इसमें से जो अच्छा होगा फिर वो दोबारा लेंगे। अभी जब मैं नाश्ता कर रहा था ना, ये बेस्ट फ्रेशली बेक क्रोसॉन्ट्स। हेलो, हाउ आर यू? गुड। फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैन यू मेक मी अ चीज ऑमलेट? ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ भाई, जगह छिन गई है हमारी। ये कोई बूढ़े बाबा आके बैठ गए हमारी जगह पर, प्लेटें व्लेटें उसने साफ कर दी हैं, तो हम जो है नई जगह पर बैठना पड़ेगा। चले भाई, कॉफ़ी आ गई है हमारी ज़बरदस्त कॉफ़ी, और थोड़ा मीठे में डोनट्स और सिनेमन रोल। सिनेमन रोल वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, नाश्ता तो मैंने कर लिया था बहुत ज़बरदस्त, मगर अब हो गया है टाइम 2:30 बज रहे हैं, मतलब हो गया खाने का टाइम। सही है, तो आप नॉर्मली जब शिफ्ट पे जा रहे होते हैं ना, ये इस दफ़ा जो है ना ज़्यादा लंबा स्टे मिला है मुझे 2-3 दिन का। मगर नॉर्मली ये समझ लें अभी तक का मेरा सबसे लंबा स्टे, वरना नॉर्मली 1 दिन, 1.5 दिन या 1 रात या कभी तो होता ही नहीं है स्टे, डायरेक्ट शिप पे चले जाते हैं। तो नॉर्मली जब हम शिप पे जा रहे होते हैं ना, तो भाई यही होता है रूटीन, ईट स्लीप रिपीट। तो बस ईट स्लीप रिपीट कर रहे हैं। वापस आके मैंने काफ़ी जो है आराम किया है, सही से तकरीबन सो ही गया था, और थोड़ी वीडियो वगैरह एडिट की है। अब हम जा रहे हैं दोबारा खाने के लिए, हल्का फुल्का ट्राई कर लेंगे जो भी है। तो बस ये सीन है। अच्छा, दिन टाइम जो है ना, ये लॉबी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर ऊपर ना पूल है, खाने के बाद यहाँ चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, राउंड 1 थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिए। ये नूडल अच्छे लग रहे थे, ये लिए हैं राइस, और ये कोई रोल चिकन है। तो अभी देखेंगे इसमें से खा के क्या अच्छा है, फिर बाकी और ट्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा चखने वाले, ये हमारा आज लंच, डिनर करेंगे सही इंशाल्लाह भरपूर। हाँ भाई, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया था, और अभी हम आए हैं टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना रूफ टॉप है, पूल। हेलो, वाह, फुल बेहतरीन माहौल बना हुआ है यहाँ पे। मगर जो है ना हवा ठंडी है, क्लाउड कवर बड़ा ज़बरदस्त है, बदली हो रही है, 3:30 हो रहे हैं, मगर है सर्दी। सर्दी की वजह से जो है ना मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। देखो पानी तो सही है, खैर ना गर्म नहीं है, मगर जो है सर्दी की वजह से मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं है स्विमिंग करने का। मेरा यहाँ पे जो है ना, मेरा रूम है इस तरफ है मेन रोड, और यहाँ पर जो है ना वो है बैकयार्ड है, यानी पीछे वाला साइड है होटल की। मैं भी आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड क्या सीन है। यहाँ से खिड़कियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं, और इजिप्ट वैसे खैर कराची स्टाइल का ही है थोड़ा बहुत। ये देखें बेहतरीन कायरो की स्काईलाइन, और ये जो है ना समझ ले रेजिडेंशियल एरिया है। वो देखें नीचे है शीशा बार,
ऐसे कैफे बनाए हुए, और खातून एक मुझे जो है ना शीशा पीती हुई नजर आ रही है। हवा जो है बहुत ज़बरदस्त ठंडी है। लास्ट टाइम मैं आया था ना अक्टूबर में, तो काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे। लास्ट टाइम अक्टूबर में आया था तो खासी गर्मी थी, और अभी जो है ना दिसंबर है तो काफ़ी सर्दी है। तो बस ये जो है ना कायरो इन इट सेल्फ जो है ना बहुत ज़्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना शहर है, पिरामिड्स के टाइम से समझे आबाद है और अभी तक आबाद है माशाल्लाह से। इन लोगों ने बहुत ट्राई किया न्यू कायरो सिटी बनाए, वो रिवर नाइल से थोड़ा सा दूर हो, मगर आपको पता है जहाँ पानी होती है वहाँ ज़िंदगी होती है, तो बसते लोग सारे जो है ना रिवर नाइल के पास ही हैं। लास्ट टाइम अक्टूबर में जब मैं आया था तो पिरामिड्स वगैरह देखकर आ गया था। इस दफ़ा मेरा कोई ख़ास मूड नहीं है पिरामिड देखने जाने का, क्योंकि वहाँ अगर आपने सही से देखना है ना तो आपको पूरा दिन लगता है, पूरा दिन सेंस कि आप वही खाना वाना खा के 12 बजे तक भी निकल जाएँ, सॉरी नाश्ता वगैरह करके आप 12 बजे तक भी निकल जाएँ तो जाने में समझ लें आपको एक घंटा लग जाता है, एक बज जाते हैं। फिर आप वहाँ सही से घूमें फिरेंगे तो 3-4 घंटे तो लग जाते हैं। आजकल यहाँ पे 5 बजे मगरिब हो जाती है, तो उस हिसाब से बेकार है जाना, ऑलरेडी देख चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और शिप पे जाते हुए ना मूड थोड़ा सा जो है ना माइंड होता है थोड़ा काम की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब आपका माइंड बना होता है यार आप काम करने आ रहे हैं 3-4-6 महीने के लिए, तो इस वक्त इससे मौके पर ना माइंड रिलैक्स नहीं होता आपका, तो ख़ास कुछ इन्जॉय करने का दिल नहीं चाहता, तो बस बंदा का मूड उस पर हो रहा था बस जल्दी से शिप पे पहुँचे और काम करें स्टार्ट। बहरहाल दिस इज़ आवर डिस, अभी हम चलेंगे करेंगे थोड़ा सा आराम। ये पीछे जो स्ट्रीट है ना मुझे कोई अच्छी लग रही है, तो हम रात को जो है ना इस पर एक वॉक करेंगे, ग्राउंड लगाएंगे, देखेंगे क्या क्या सीन है यहाँ पे। अभी बस हम थोड़ा सा मौसम करेंगे इन्जॉय पूल साइड पर, और अपनी कोक करेंगे ख़त्म और थोड़ा करेंगे रिलैक्स। ज़बरदस्त सीज़न है, ज़बरदस्त सीज़न है, ज़बरदस्त सीन है, बेहतरीन मौसम है, और हवा में एक अलग सी खुशबू है। हाँ भाई, दोपहर का खाना तो लेट खाया था, तकरीबन 3-3:30 बजे, और अभी जो है 8:15 हो रहे हैं। रात का खाना वैसे तो शुरू हो गया मगर 10:30 तक है, तो अभी खास भूख नहीं लग रही, तो अभी तो नहीं खाएंगे खाना, 9-9:30 तक देखेंगे। और जिंदा मीन वाली ये कि मैंने वीडियो वगैरह एडिट किए कमरे में बैठ के और अपलोड पे लगा दिए, नेट बहुत स्लो है तो अपलोड पे मैंने लगा दी थी, 1-1 घंटा आ रहा है उसमें अपलोडिंग का टाइम, तो जब तक मैंने कहा चलो नीचे थोड़ा चक्कर वक्कर लगाते हैं वहाँ के पीछे, देखते हैं क्या है, थोड़ा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ मैं आगे पीछे क्या है, और जो है अभी चलेंगे ज़रा बाहर चक्कर लगाएंगे, वापस में आके वापसी में खाना खाएंगे। और यहाँ पर ये सोफ़े देखें, मैं कल मैंने नोट किया दो बंदे ना इस सोफ़े पर बैठे हुए थे, ये देखें, मुझे लग रहा था वो बंदे ऐसे ना सोफ़े को वो करके बैठे हुए, उठा के बैठे हुए, और मैं दिल में सोच रहा ना कितने बदतमीज लोग हैं, मगर ये ना थोड़े ऐसे कंफर्टेबल स्प्रिंग टाइप के हैं। अजीब सी चीज़ें देखता हूँ ना मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है। चले देखते हैं अभी बाहर क्या सीन है। 2023 लगा दिया इन्होंने, 2023 बस शुरू होने ही वाला है, और बाहर आते यार रियलाइज के यार सर्दी तो है काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा हुआ जैकेट पहन के आ गया, तो सर्दी तो है ज़बरदस्त। अब ये जो है मेन रोड से हम चलेंगे, और मेरा कमरा जो है ना इनके नहीं कमरों में से मेरे ख्याल से वो वाला है जिस पे लाइट जल रही है, हाँ वही है ऊपर से दूसरा, बहरहाल इसमें नहीं दिखेगा मुझे, दिख गया है वैसे। और जो है मैं देख रहा था ये रोड ना ऐसे कहीं जा रही है, अंदर कोई स्ट्रीट सी है, तो ज़रा वहाँ पर चल कर हम लोग चेक करेंगे क्या सीन है। और एक और बात ये कि यहाँ पर एक बड़ा मशहूर एक फ़ूड व्लॉगर है सोनी साइड बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो वाला, तो वो जब यहाँ पर आया था ना तो पुलिस उनके उसके होटल पे आ गई थी, और आके जो है ना उसे कैमरा वैमरे सब ले गए उसके, बड़ा प्रॉब्लम में हो गया था बेचारे ने, यहाँ का पूरा फूड टूर मोबाइल पर अपने शूट किया था, और उसने जो है ना एक वीडियो डाल दी थी कि बस प्लेस फॉर व्लॉगिंग करके, उस पर बड़ा जो मसला पड़ गया था। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा ये चक्कर है, गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, तो हमें भी जो है ना थोड़ा एहतियात करके ही चलना पड़ेगा। अच्छा भाई यहाँ पर तो ज़बरदस्त पिज़्ज़े की शॉप है, और कोशारी नज़र आ रहा है मुझे, कोशारी जो है ना यहाँ का
कोशारी जो है ना इजिप्शियन डिश है, राइस और नूडल वाली। आपने अगर मेरी सऊदी अरेबिया की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ट्राई किया था, सऊदीया में अरेबिक डिश है। तो यहाँ पर ट्राई तो मैं कर सकता हूँ, मगर अभी मेरा पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और उसके साथ में मुझे दिख रही है 3.5 शॉप, 3.5 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 3.5 रियाल की सामान मिल रहा है। शायद थोड़ी सी ये स्ट्रीट टाइप की है और हमें जो है ना रोड के इस तरफ आ जाना चाहिए ट्रैफिक को देखते हुए। अच्छा हाँ भाई, ट्रैफिक उल्टा है यहाँ पे। मुझे लग रहा था कि वहाँ से गाड़ी आएगी, मैं वहाँ देख रहा था दूसरी तरफ, मगर गाड़ी यहाँ से आ रही है। बेहतर ये हम वॉकवे पे चलें तो दोनों तरफ से हम बच जाएंगे। अरे यार अंदर भी मार्केट है पूरी, अच्छा सीन है यहाँ पे, बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जंगली बाइक वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारे दुनिया में ये एक वायरस है जो दुनिया में सब जगह फैला हुआ है बाइक वालों के अंदर, तो बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं जंगली, आपको खुद संभल के चलना चाहिए। अच्छा थोड़े थोड़े जो है यहाँ पर बने हुए आपका रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बच्चे यहाँ भी चला रहे हैं बाइक है। ये जिस तरह हमारे तारिक रोड में सिंधी मुस्लिम पे बने हैं ना छोटे छोटे एक एक आउटलेट के महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स, जहाँ मैं जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, ये उस तरह के हैं यहाँ पे। अच्छा डेंटिस्ट बहुत है यहाँ पे भाई, हमारा डेंटिस्ट का काम यहाँ पे मतलब चल सकता है, दांतों का मसला है यहाँ लोगों को। ये दूसरा डेंटिस्ट देखा है मैंने, इसको जाके चेक कराऊँ, देखें क्या कहता है। स्पेशली पैसे कितने ले रहा है मुझे ये देखना है, स्केलिंग के पैसे कितने ले रहा है। अच्छा सुपर मार्केट आ गई है, ज़बरदस्त फल रहा है यार सुपर मार्केट, ये कोई ब्रांड लग रहा है इनका सुपर मार्केट का। ओ एम एंड एच कैफे, अच्छा यहाँ पर ना ट्रेंड है कैफेज होते हैं, क्या बोलते हैं गेमिंग कैफे, गेम आप उसे फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं प्ले स्टेशन पर बैठ के, प्ले स्टेशन या कंप्यूटर गेमिंग के होते हैं। और ये जो है फ्रूट का स्टॉल आ गया, फ्रेश फ्रूट बेच रहा है ये, और फ्रेश जूस भी मुझे नज़र आ रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फुल हूँ तो अभी खाने का कोई मूड नहीं है। और इन जनरल भी जो अगर कोई बहुत ही डेलिकेसी होगी तो वो मैं ख़रीद सकता हूँ, ख़रीद के खा सकता हूँ, मेरे पास लोकल करेंसी है, इजिप्ट में चलता है पाउंड, इजिप्शियन पाउंड कहते हैं उसको, तो इजिप्शियन पाउंड है मेरे पास और काफ़ी हैं, लास्ट टाइम के रखे हुए थे कल, 250 पाउंड होंगे। मगर आई फील लाइक कि जब होटल में खाना इंक्लूडेड है तो खाने पर पैसे वेस्ट करना इज़ यूज़लेस। और अगर कोई ऐसी डेलिकेसी हुई जो ख़ास मुझे पसंद, जो मुझे ख़ास ट्राई करनी चाहिए तो मैं ज़रूर खाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं यहाँ पर, ये मुझे लगता है कायरो का ना डिफेंस टाइप का इलाका है, मतलब थोड़ा अच्छा इलाका है ये। अब मैं जगह मुझे समझ नहीं आ रही, मगर जगह मुझे समझ नहीं आ रही खास, मगर ये कि मुझे लगता है मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था 2021 में तो मुझे लगता है कि शायद मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि रोड मेरी जो है ना कोई देखी देखी लग रही है। अच्छा वैसे इजिप्ट जो है इन इटसेल्फ IMF प्रोग्राम में है, इकनॉमी के हालात इनके काफ़ी अच्छे नहीं हैं, मगर फिर भी जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है और काफ़ी हद तक है, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक स्टेबिलिटी जब होती है गवर्नमेंट में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि डेवलपमेंट भी होती है, आवाम सही है कदरे बेहतर हालात में है। मगर यहाँ पर एक सीन और ये कि ना ये कायरो सिटी ये ख़ुद में जो है ना कराची स्टाइल का है, तो अच्छे इलाके भी हैं और नॉर्मल इलाके भी हैं, जैसे कराची में है उसी तरह यहाँ पर भी हैं। और एक और मैं क्या बात बोलने लगा था, खैर हाँ गाड़ियों का सीन यहाँ पर बहुत ऑन है, गाड़ियाँ आप देखें, ये देखें मर्सिडीज़ खड़ी है, हुंडई खड़ी है, MG भी खड़ी है, वॉक्स उसके साथ वॉक्स वैगन भी खड़ी है, सामने मुझे जीप नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे असेंबल होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, बट स्टिल यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं गाड़ियों से रिलेटेड, इम्पोर्ट की काफ़ी ईस्ट ऑफ है पॉलिसीज़, तो इम्पोर्ट्स यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ये ले हमारे यहाँ जैसे होते हैं पान का खोखा, ये आ गया खोखा सिगरेट का, हमारे यहाँ रोड पे खड़े होते हैं चिप्स वाले, तो ये भी चिप्स बना रहा है, कुछ बना रहा है, पीटा ब्रेड में लगा रहा है,
लोकल यहाँ का सैंडविच बना रहे हैं। वाह, ग्रिल कर रहे हैं। अरे वाह यार, पार्क में आ गए हम घूमते घूमते। मुझे सामने कोई बड़ा मॉल नज़र आ रहा है मगर वो काफ़ी दूर है। ये कोई रेजिडे, अच्छा यार अमेजिंग बात ये है कि ना वो सामने मुझे बिल्डिंग में ना डेंटल नज़र आ रहा है। ये तकरीबन इस एरिया के अंदर अंदर ना पांचवा हो गया, चौथा या पांचवा मुझे डेंटल क्लिनिक नज़र आया। वैसे भी एक क्लिनिक नज़र आया तो मुझे लगता है डेंटिस्ट का काम अच्छा है यहाँ पे। यहाँ भाई घूमते घूमते जो है ये मुझे यहाँ पे लोकल बेकरी नज़र आ गई है। और ये जो है ना पीछे ही बेक कर रहा है फ्रेश, और ब्रेड का सीन यहाँ पे ज़बरदस्त है। अच्छा, हमारे यहाँ कराची में क्योंकि तंदूर चलते हैं, हम लोग सालन के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, यहाँ पर वो सीन नहीं है, लोग ब्रेड वगैरह ही खाते हैं या खुब्स जो उनका एक लोकल ब्रेड होती है। तो बड़ी ज़बरदस्त बेकरी तो है। खैर, जब भी आप किसी नए शहर में हो तो यू ट्राई और बेस्ट कि आप जो है ना रोड रोड घूमें, ज़्यादा गलियों में ना घुसें। एक तो ये कि आप भूल ना जाएँ, दूसरा जो है ना सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप मेन मेन रोड पर रहें, रश वाली जगहों पर रहें। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी राउंड हो गया और अब मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना चाहिए होटल की तरफ। ये देखें गली में ज़बरदस्त शीशा चल रहा है, दिखेगा नहीं इसमें, शीशा बाहर चल रहा है। हम तो खैर शीशा नहीं पीते इसलिए ज़रूरत नहीं है जाने की, वरना यहाँ तीन कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, फुटबॉल, कॉफ़ी और शीशा बस। या प्ले स्टेशन पर खेल रहे होंगे या टीवी पे मैच लगा होगा और बैठ के जो है कॉफ़ी के साथ शीशा चल रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ चाय के होटलों का एक कल्चर है तो यहाँ पे ये कल्चर है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त जो है ना रेट्रो गाड़ी में ये कॉफ़ी वगैरह बना के बेच रहा है और जो है बड़ा ज़बरदस्त सीन ऑन हो गया। और यहाँ पे पीछे जो है ना मुझे नज़र आ रहा है ओरिएंटल व्यूज लिखा हुआ। अब सीन ये है कि दुनिया में ना, सारी दुनिया में, अच्छा भाई अब सीन ये है कि सारी दुनिया में ना इजिप्शियन कॉटन बहुत मशहूर है। अब वो यहाँ पर पैदा होता है या सिर्फ नाम उसका इजिप्शियन कॉटन है, ये मेरा भाई जोएब टेक्सटाइल इंजीनियर ये जो है ना कमेंट्स में बता देगा सबके लिए कि क्या सीन है, मगर इजिप्शियन कॉटन इज़ लाइक वेरी फेमस। तेल वगैरह नहीं निकलता इस मुल्क में, इसकी इकनॉमी जो है इसी तरह टूरिज़म से चलती है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये कॉटन वगैरह के एक्सपोर्ट्स वगैरह से चलती है जितना मुझे आइडिया है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, बदहाली नहीं है, बहुत खुशहाली है काफ़ी हद तक, और जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है यहाँ पे, लोगों की इतनी बुरे हालात नहीं है। सही है, हालात सारे मुल्क सारी दुनिया में डाउन चल रहे हैं मगर कदरे बेहतर है यहाँ पे सिचुएशन। हाँ भाई, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि मैं पहले इसी जगह पर घूम के गया था 2021 में, तो तकरीबन एक साल के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ये बेकरी अभी भी उस वक्त भी यहीं थी। TBS द बेकरी शॉप सो फ्रेश इट्स बेक्ड इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ये मुझे कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत पसंद आया था। मैंने घर आके जहन को भी बताया था कि यार ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आप कुछ भी ऑर्डर करें तो इट विल बी बेक्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी यूनिक आइडिया। और इसी लाइन में जो है ना चलते चलते आगे मैं गया था तो मेट्रो था यहाँ पे, एक साल पहले मेट्रो था मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि उसका नाम चेंज हो गया है, SMNS सुपरमार्ट बन गया है ये। और ये रेस्टोरेंट यहीं पर था सिलेंट्रो, जो कि काफ़ी जो है हाई एंड रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और जो मैं बता रहा हूँ ना मेट्रो था, मेट्रो अब चेंज हो गया है मगर था ये एग्जैक्टली इसी जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ से जो है ना टैक्सी लेनी थी, टैक्सी ली थी हमने यहाँ से। और इस जगह पे आप सामने चलते जाएं तो बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना वो एक मस्जिद है यहाँ पर आगे। बहुत ही बेहतरीन मस्जिद बनी हुई है, जो भी बनी हुई है उससे मुझे याद था। बहरहाल मैं जो है चलते चलते यहाँ पर सिर्फ ये कंफर्म करने आया था मैं पहले यहाँ आया हूँ नहीं आया तो ये कंफर्म हो गया। अब हम चलते चलते चलेंगे वापस होटल। सुबह में मैं ऊपर से देख रहा था कि कैफ़े बना हुआ है, नीचे आके देखने आया हूँ तो बड़ा जो ज़बरदस्त सा कैफ़े बना हुआ है, तो गार्डन समझ लें या कोर्ट यार्ड के अंदर जो है कैफ़े बना हुआ है, शीशा वीशा चल रहा है, साथ में कॉफ़ी, और मुझे आवाज़ आ रही है डोमिनोज़ की, डोमिनोज खेल रहे हैं लोग यहाँ बैठ के। हाँ भाई, बाहर से चक्कर वक्कर लगा के आ गए और सीधा आया हूँ मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि मैंने सोचा कि यार 9 बज रहे हैं ऑलरेडी, 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगा तो एक दफ़ा बस खाना खा के रूम में जाएं और फिर करें आराम और कल का दिन करेंगे दोबारा स्टार्ट। तो अभी हम आ गया हूँ सीधा खाना खाने। और हाँ, एक चीज़ मेरे एकदम जहन में आई थी
टर्की है ना, जैसे टर्की जो है ना किसी की कॉलोनी नहीं रहा कभी भी, तो आप टर्की में ऐसे बाहर निकलते हैं ना तो साइन बोर्ड्स और ये सारी चीज़ें, दुकानों के नाम, वो आपको टर्किश में मिलेंगे और किसी ज़बान में नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल से अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड होगा तो वो इंग्लिश में मिल जाएगा, मगर नॉर्मली जो है लोकल टर्किश लैंग्वेज में मिलेंगे। इजिप्ट जो है, क्योंकि वो कॉलोनी रहा है ब्रिटिश की, इजिप्ट ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, और इसी तरह मोरक्को जो है वो फ्रांस की कॉलोनी रहा है, तो मोरक्को में फ्रेंच बोलते हैं लोग, उनकी सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। जैसे पाकिस्तान में समझ लें आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, उसी तरह इजिप्ट के अंदर जो है ना आप, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, तो काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स लोकल बिजनेसेस के भी आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, और काफ़ी हद तक लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, इतना आसान नहीं है मगर अनटिल वो सर्टेन लेवल। थैंक यू। हाँ भाई, खाना अलहमदिल्ला खा लिया और फ्री हो गए, एंड दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर डे विच वाज लाइक वेरी रिलैक्सिंग। बहुत आराम किया हमने आज के दिन, और आराम ज़रूरी है शिप पे जाने से पहले, क्योंकि हम जब एक दफ़ा शिप पे चले आते हैं तो समझें कि नेक्स्ट, इस दफ़ा तो कम है 3-4 महीने के लिए, वरना 6 महीने के लिए जो है ना बहुत कमर तोड़ मेहनत और काम होता है, तो आराम जो है ना शिप पे जाने से पहले ज़रूरी है। हम आराम कर लें अच्छे से, क्योंकि फिर जो है ना बस नॉन स्टॉप काम काम और काम होता है, कायद अजम के कॉल पे अमल करते हैं फुल टाइम। तो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स एन एंड टू दिस वीडियो, एंड दिस वॉज आवर डे, एंड आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वैन यू सब्सक्राइब इट कीप्स मी मोटिवेटेड क्या मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी एक वीडियो बनाऊँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।